हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है करंट अफेयर्स की डे 4 क्लास और आज है हमारा समसामयिकी 2020 में इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक समसामयिकी 2020। अब इस साल यानी 2020 में COVID-19 या कोरोना के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डाउनफॉल की तरफ रही, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि इस बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई न्यूज ही नहीं होगी। तो न्यूज है और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारी न्यूज नहीं है लेकिन उसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट से रिविजन करा देती हूँ ताकि एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है जैसे कि NTPC, BPSC उनमें आपसे ये क्वेश्चन गलतियाँ ना हो। और अभी तक अगर आपने बाकी के डे 3 तीन दिन का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है जिसमें मैंने नेशनल और इंटरनेशनल के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिविजन कराए हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, उसको जरूर देख लीजिए अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं तो। चलिए तो बिल्कुल फटाफट से शुरू करते हैं। ANANDA आनंदा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, आनंदा जो है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। सबसे पहले आनंदा का ये फुल फॉर्म है, क्या है आनंदा का फुल फॉर्म? आत्मनिर्भर एजेंट। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके लिए नई वीडियो पोस्ट करती हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ताकि आप स्टूडेंट्स का समय बचे, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम के नजदीकी समय बहुत कीमती होता है। न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये LIC भारतीय जीवन बीमा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, रेड फ्लैग सूची में शामिल होने वाले कौन से दो बैंक है 2020 में? तो 2020 में दो बैंक को रेड फ्लैग सूची में शामिल किया गया, ये बैंक है HDFC बैंक और इंडस इंक बैंक। ये तो एक क्वेश्चन है ही। दूसरा, ये रेड फ्लैग सूची क्या है? ये है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के से संबंधित है। तो रेड फ्लैग सूची क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक से रिलेटेड इसमें से कौन सी सूची है रेड फ्लैग सूची? रेड फ्लैग सूची में कौन से दो बैंक को शामिल किया गया है, या कितने बैंक को इस साल शामिल किया गया है? दो बैंक को शामिल किया गया है, HDFC एंड इंडसइंड बैंक। ब्लूमबर्ग फोरम क्या है? तो COVID-19 के बाद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संबोधन किया है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि COVID-19 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन हो गई, तो ये जो डाउन हो गई उसको बढ़ावा देने के लिए ये हुआ है संबोधन ब्लूमबर्ग फोरम। तो क्वेश्चन पहला तो ये पूछ सकता है ब्लूमबर्ग फोरम को संबोधित किसने किया, मे बी आपको ऑप्शन जो है निर्मला सीतारमन का दिया जाए, तो आपका आंसर आपको याद होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन कि ब्लूमबर्ग फोरम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। हो सकता है आपको ऑप्शन दिया जाए टैक्स, इनकम टैक्स से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सक्षम पोर्टल किसका है? सक्षम पोर्टल है सिडबी का। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करंट के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेडिशनल के लिए भी आपको सिडबी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो सक्षम पोर्टल शुरू किया गया सिडबी के द्वारा। सक्षम पोर्टल किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन कुछ भी हो आंसर आपको पता होना चाहिए सक्षम पोर्टल संबंधित है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको दे सूक्ष्म, बी में मध्यम, सी में लघु उद्योग और डी में इनमें से सभी। तो पहला तो हो जाएगा कि इनमें से सभी है, और अगर थोड़ा सा इधर उधर करता है ए ऑप्शन दे दे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, दूसरा दे दे इनकम टैक्स से संबंधित है, तीसरा दे दे भूमि विकास से संबंधित है, और चौथा दे दे कर व्यवस्था से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सक्षम पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। तो मैं अपनी क्लासेस में आपको जरूर ये फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं ना सिर्फ उस एंगल से मत पढ़िए जिस एंगल से किताब में दिया है या जिस एंगल से आपने वीडियोस में देखा है या कहीं से भी पढ़ा है, बल्कि आप उसको अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट में अपने दिमाग में सेट करिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मौद्रिक नीति 2020-21 में रेपो दर का निर्धारण कितना किया गया है? रेपो दर हमेशा पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि 2020-21 में रेपो दर का निर्धारण किया गया है 4.0%। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। बैंक दर है 4.25%,
CRR है 3.0%, SLR है 18.0%। अब जिनको इन दरों को समझना है वो मेरी पिछली इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज को जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज उन क्लासेस को देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने परसेंट हुई, ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। क्यों आएगा पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि इस साल यानी लॉकडाउन या कोरोना के बाद सिर्फ एक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वृद्धि हुई है 3.4%। बाकी के जो क्षेत्र हैं वो डाउन हुए हैं, जैसे विनिर्माण क्षेत्र जो है वो 39.3% डाउन हुआ, खनन क्षेत्र 23.3%, सेवा क्षेत्र में आवश्यक सेवा क्षेत्र जो है वो 7%, और होटल परिवहन जो है बाकी चीजें हैं वो 47% डाउन हुई है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे इनमें से सबसे ज्यादा डाउन कौन सी क्षेत्र हुआ, कौन सा क्षेत्र, तो क्या होगा आंसर, सेवा क्षेत्र। और कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुई है 2020-21 में, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो वो है कृषि का क्षेत्र, कितनी हुई है 3.4%। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट परियोजना, मैग्नेट परियोजना क्या है, ये है एग्री बिजनेस नेटवर्क, ठीक, जिसमें 70% जो है ना पैसा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक देने वाली है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। चूंकि ये ADB से 70% पैसा ले रही है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैग्नेट परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है इसलिए इम्पोर्टेंट है। COVID-19 के समय आपातकालीन ऋण प्राप्त हुआ भारत को किस देश से, तो भारत को COVID-19 के दौरान आपातकालीन ऋण प्राप्त हुआ जापान से। कितना ऋण प्राप्त हुआ अगर थोड़ा डाटाबेस पूछता है तो 3500 करोड़ रुपए, ठीक। बैंक कर्जदार को ब्याज से राहत पर समिति बनाई गई, बैंक कर्जदार जो है COVID-19 के दौरान उनको कैसे छूट दी जाए, किस तरह से कर्ज का भुगतान हो, ये सारे जो नियमावली बनाई गई उससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई जो कि इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो समिति के अध्यक्ष है राजीव महर्षि जो कि पूर्व कैग रह चुके हैं। तो राजीव महर्षि किस चीज से संबंधित है ये भी इम्पोर्टेंट है, किस समिति के अध्यक्ष है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक ही वीडियो के थ्रू पूरा समसामयिक 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज मेरे अप्रिसिएशन के लिए, मुझे बढ़ावा देने के लिए कि मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करती रहूं, एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन सीरीज के बारे में अपने व्यूज, चाहे वो नेगेटिव व्यूज हो या पॉजिटिव हो, यानी वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी या फिर यूजफुल नहीं लगी, दोनों ही सेंस में आप मुझसे अपने व्यूज शेयर करिए। मुझे आपके व्यूज से एक डायरेक्शन मिलता है और नए डायरेक्शन में काम करने के लिए। तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी व्यू मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन से आगे, और अगर आपको सारी वीडियो सीरीज की देखनी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, उसको देखिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं क्लिक किया है तो क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, रोज की टेस्ट सीरीज की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन सिर्फ 8 क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो इसको 20 कर दूँ, कहीं ना कहीं से अनयूजुअल से यूनिक से फैक्ट इकट्ठा करके 20 कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रिविजन कराना है, तो जबरदस्ती फैक्ट्स को बढ़ा के आपको प्रेजेंट करना ये ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के जो आपके लिए इस बार इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव पे प्रणाली, पॉजिटिव पे प्रणाली यानी सकारात्मक पे प्रणाली शुरू की गई किसके द्वारा, पहला है आंसर इसका तो कि RBI द्वारा शुरू की गई, दूसरा ये किस चीज से संबंधित है, ये चेक से संबंधित है। मान लीजिए ऑप्शन होगा ड्राफ्ट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, चेक होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पे प्रणाली जो है वो चेक से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है पॉजिटिव पे प्रणाली के तहत कितने अमाउंट को टारगेट किया गया है, उसका आंसर है 50,000 या 50,000 से ऊपर के चेक के लिए RBI द्वारा पॉजिटिव पे प्रणाली शुरू की गई है। सशक्त बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड, पहला क्वेश्चन शौर्य KGC कार्ड किसके लिए शुरू किया गया, सशक्त बलों के लिए यानी सेनाओं के लिए शुरू किया गया। दूसरा क्वेश्चन है किस बैंक ने शुरू किया, तो सशक्त ये जो कार्ड है शौर्य KGC कार्ड HDFC द्वारा शुरू किया गया। तीसरा ये जो KGC कार्ड है इसका मेन प्रावधान किस क्षेत्र में है, तो 10 लाख से ऊपर का जीवन बीमा देना इसका काम है। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS
किसने शुरू किया? तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस शुरू किया पेटीएम ने। पेटीएम सभी ने सुना होगा, तो हो सकता है पेटीएम से ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे कि पेटीएम क्या है, तो पेटीएम एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है। ठीक, तो सबसे पहला तो हो गया पेटीएम क्या है, दूसरा पेटीएम ने ही शुरू किया है भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। एस मैम क्या है? एस मैम जो है वो कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। ठीक, और इसमें टोटल कितना अमाउंट लगा है? 553 करोड़। तो अमाउंट भले ना याद करिए, किस क्षेत्र से संबंधित है ये याद कर लीजिए कि कृषि के यांत्रिकीकरण या कृषि के मशीनीकरण के लिए। सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो सैटेलाइट डेटा की सहायता से किसानों को ऋण देने के लिए पहल करने वाला भारत का पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेडिशनल क्वेश्चन स्थापना वर्ष ये आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजना को शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को इसमें ऐड किया गया है। उड़ान, इसका थीम क्या है? UDAN, उड़ान जो उसका थीम है उड़े देश का आम नागरिक, पहला। दूसरा क्वेश्चन, उड़ान के तहत इस चरण में कितने हवाई मार्ग बनाने की योजना है? 78 नए हवाई मार्ग बनाने की योजना है। तो ये जो है 8 क्वेश्चन के थ्रू मैंने इधर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो आज की जो क्लास थी वो इकोनॉमिक्स समसामयिकी की कंप्लीट हो गई। आपने अगर किसी भी सोर्सेज से अभी तक समसामयिकी पढ़ा, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ा है, कितने भी सोर्सेज से, कितनी वीडियोस से, लेकिन इन क्वेश्चंस को रिवीजन जरूर कर लीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, जो फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चल जाएगा। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी होगी सीरीज, तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।